हेलो नेचर लवर्स, देखिए ये जो नाग चंपा की कटिंग है ये मुझे अपनी एक नेबर दादी से गिफ्ट में मिली है। अब मुझे एक नया प्लांट अपने टेरेस गार्डन में ऐड करने का मौका मिला है, तो मैं इस प्लांट को नीचे से इस चाकू की हेल्प से शार्प कट दे दूंगी और नीचे के यहाँ तक के लीव्स को रिमूव कर दूंगी और ऊपर में ये जो बर्ड्स आए हुए हैं उस प्लेस को भी इस तरह से यहाँ से एक कट्टे के रिमूव कर दूंगी। और देखिए इसमें दो ब्रांचेस हैं तो एक मोटी कटिंग बन जाएगी मेरी और एक पतली कटिंग, दोनों में से देखते हैं कि कौन सी कटिंग जल्दी चलती है। तो इस प्लांट का अपडेट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी फ्रेंड्स। अभी तो दोपहर का समय है, मैं इसकी कटिंग को रेडी करके उस समय तक के लिए सूखने के लिए रख दूंगी ताकि इसका जो सैप है वो सूख जाए और उसके बाद शाम को इसे लगाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए ये मेरी दो कटिंग्स रेडी हो गई हैं, अभी इसे मैं कुछ घंटे सूखने के लिए रखूंगी और शाम को इसे लगा करके दिखाऊंगी आप सबको। देखिए फ्रेंड्स ये कटिंग को मैंने कुछ घंटे के लिए यूं ही छोड़ दिया था तो ये अच्छे से सूख गया है, इसके अंदर का जो सैप होता है वो। अब इस कटिंग को मैं यहां तक मिट्टी में गाड़ दूंगी और ये पतली कटिंग भी लगा के देखूंगी, आई होप ये चल जाए। इसे भी यहां तक मैं गाड़ दूंगी, इसमें भी छोटे छोटे नोट्स दिख रहे हैं, हो सकता है यहां से रूटिंग्स हो जाए। और ये कटिंग लगाने के लिए मैं कोई भी रूटिंग हार्मोन का यूज नहीं करूंगी क्योंकि अभी रेनी सीजन है और इसमें कटिंग्स अच्छे से चल जाती है फ्रेंड्स विदाउट एनी रूटिंग हार्मोन। मैंने आज तक कभी भी किसी भी तरह का रूटिंग हार्मोन यूज नहीं किया है क्योंकि मैं हमेशा रेनी सीजन में ही कटिंग्स ग्रो करती हूँ और एक से ज्यादा कटिंग ग्रो करती हूँ। हो सकता है कभी कभी कोई कटिंग ना चले तो दूसरी चल जाए, तो इसलिए हमें एक से ज्यादा कटिंग्स लगाना चाहिए। फ्रेंड्स आजकल बहुत तेज धूप होता है इसलिए मैं अपना कटिंग टेरेस पे किसी बड़े गमले में डायरेक्टली नहीं लगा रही हूँ, मैं इस तरह से डिस्पोजल बॉटल को ऊपर से कट करके उसमें सिंपल गार्डन सॉइल डाल ली हूँ। और देखिए इसमें होल किस तरह से किया है, मैंने नीचे होल्स किए हैं और एयर सर्कुलेशन के लिए साइड में होल्स किए हुए हैं। तो जब भी हम एक किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में कोई भी प्लांट को लगाते हैं तो इस तरह से साइड में भी होल करना बहुत जरूरी होता है ताकि मिट्टी में एयर सर्कुलेशन बना रहे और हमारे रूट्स को ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। नहीं तो क्या होता है जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं उसमें की मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है और हमेशा सॉइल सॉगी रहने की वजह से रूट्स खराब होने का बहुत डर रहता है फ्रेंड्स। तो आप या तो अपने प्लास्टिक के कंटेनर्स को किसी स्टैंड पे रखें, डायरेक्ट जमीन पे रखेंगे तो नीचे वाला एरिया कवर हो जाएगा और फिर एयर का सर्कुलेशन होना मुश्किल होता है, या तो फिर अगर स्टैंड पे नहीं रखते हैं तो साइड में भी होल्स दें। तो इसमें कटिंग लगाने का मकसद ये है फ्रेंड्स कि ये ट्रांसपेरेंट रहेगा तो जब रूटिंग अच्छे से हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ अब इसमें अच्छे से रूटिंग हो गई है और मुझे अब इसे बड़े कंटेनर में शिफ्ट करना है। और दूसरा ये कि आजकल बहुत तेज धूप होती है एकदम समर की तरह, तो जब भी धूप रहेगी तो मैं इसे यहाँ सीढ़ियों पर शेडी प्लेस पर रख सकती हूँ और जब बारिश होगी तो इसे ले जाकर टेरिस पे बारिश लगने के लिए भी रख सकती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा पोर्टेबल कंटेनर बन जाएगा मेरा और कटिंग लगाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब मैं इसमें कटिंग्स लगा लेती हूँ, मैं इसी में दोनों कटिंग लगाऊंगी।
देखिए इस तरह से किसी चीज की सहायता से इसमें होल कर लेना है। फ्रेंड्स मैं होल कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब बड़े वाले होल में मैं ये वाली कटिंग यहाँ तक लगा दूंगी। सिंपली से प्रेस करते हुए ले जाना है। ये देखिए 3 से 4 नोट मिट्टी में डाल देंगे हम। और ये पतली वाली कटिंग भी, ये बस ट्रायल के लिए लगा रही हूँ, हालांकि इतनी मोटी कटिंग ही लगाई जाती है नाग चंपा की। ये भी ठीक है, फिर इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। और कोई भी तरह का फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं ऐड करने का जरूरत होता है, सिंपल सॉइल में ही हमेशा कटिंग लगाएं। और अगर आपके पास सैंड अवेलेबल हो तो सैंड मिला सकते हैं, लेकिन अगर सॉइल वेल रेंड हो तो जरूरत भी नहीं पड़ती उसकी। देखो उसके आसपास अच्छे से प्रेस कर लेंगे हम कटिंग के। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें वाटरिंग कर देंगे जिससे ये अच्छे से कटिंग मिट्टी के साथ सेट हो जाएगी। नीचे से पानी बहना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। अब ये जब कटिंग चल जाएगी फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से रूटिंग हो जाएगी, तो मैं आपके साथ इसका रिपोर्टिंग का वीडियो जरूर शेयर करूंगी। और जब भी बारिश होती रहेगी तो मैं इसे बारिश में जरूर रखूंगी। और इसमें अब अगली वाटरिंग तभी करूंगी जब इसकी सॉइल सूख जाए, और अगर बारिश होगी तो बारिश का पानी ही इसमें पड़ने दूंगी, क्योंकि बारिश का पानी प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारी कटिंग जल्द से जल्द जल जाने की चांस होती है। ठीक है, बाद में मिलते हैं फ्रेंड्स इसके अपडेट के साथ। थैंक यू।